आज देखें कि हमें अपने वार्डरोब में वो कौन से बहुत ही जरूरी कपड़े रखने चाहिए जो हमें सालों साल काम आए और उसको आप बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से पहन सके। सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गजल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी पूरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बहुत खुश होगी, वीडियोस का इंतजार कर रही होगी और मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूं। बहुत सारे मेरे नए नए साथी जो है वो अब आपको नजर आते रहेंगे वीडियोस में। और आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक उन सारे लोगों के लिए जिनको कपड़ों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वैसे ये बात सही भी है कि हमारी पर्सनैलिटी का जो है ना वो ये कह लेंगे आधा हिस्सा, वो हमारा जो फैशन स्टाइल होता है ना वो डिटरमिन करता है कि हम उस देखने वालों पर पहला इंप्रेशन क्या छोड़ते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी, हमारे साथ एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर मौजूद हैं, साइमा रहीम। साइमा रहीम से पूछेंगे कि हमें वार्डरोब में वो कौन से चंद कपड़े जरूर 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 रखने चाहिए जो हमें पूरा साल काम आए, जिनको हम बहुत डिफरेंट स्टाइल से पेयर कर सकें। तो मिलते हैं साइमा से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक साइमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नो 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 यार, इट्स माय प्लेजर। अच्छा, तो साइमा आज जो है वो ऑडियंस मेरी बहुत इंतजार कर रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कपड़ों का बहुत सेंस होता है। और लेकिन समटाइम्स हम ये गलतियां करते हैं कि हम इतने सारे कपड़े रख लेते हैं अपने वार्डरोब में जो हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या पहने। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि एक दफा पहनो तो उसको दूसरी दफा पहनते हैं तो बहुत नोटिसेबल होते हैं। यस, तो क्या चीजें ऐसी रखनी चाहिए जो बहुत थोड़े कपड़े भी हों तो वो सालों साल चले ना? अच्छा देखो, इसके लिए मैं आपको आइडिया दूंगी कि हमेशा जो आप जब शॉपिंग करते हैं ना, हाँ, तो उस वक्त आपको कुछ बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए। हाँ, राइट, कि जब आपने अपने अगर आप वार्डरोब को सेट कर रहे हैं, हाँ, तो आपके पास कुछ सॉलिड कलर्स वो हमेशा रखो। सॉलिड कलर्स कभी भी आप किसी भी तरीके से पेयर अप कर सकते हैं। अच्छा, कौन से वो तीन सॉलिड कलर्स, सपोज अगर हम बहुत सारे ना रखना चाहें, हाँ, तो कौन से रखें? फॉर माय आइडिया आई थिंक व्हाइट, ब्लैक और आप कोई भी एनी नेवी रेड, ये वो कलर्स हैं जो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से आप उनको पेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो साइमा हम जरा आ जाते हैं अपने कपड़ों के पास। श्योर, ठीक है, और थोड़ा सा बताते भी जाएंगे उनको। या श्योर। अच्छा जी, अब आपको ये सारे कपड़े नजर आ रहे हैं और हम आपको अभी बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सी चीजें आपको जरूर रखनी है। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सॉफ्ट रिमाइंडर कि आपको पता है कि अब मेरा एक और पॉडकास्ट का चैनल है, कैजुअल टॉक विद गजल, तो वहां भी आपको वीडियोस को देखना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और मुझे सजेस्ट करना है कि वहाँ कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप जा रहे हैं कि मैं कैजुअल टॉक करूँ, पॉडकास्ट करूँ, तो ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको कपड़े जो नज़र आ रहे हैं, ये साइमा आपको यही बताने जा रही हैं कि ये वो चंद कपड़े हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कलर्स हैं जो आपको मस्ट अपने वार्डरोब में रखना है। और इससे ये होगा फ़ायदा कि ना सिर्फ आपके कपड़े ज़ाया नहीं होंगे, आप उनको बार बार पहन सकेंगे, लेकिन कैसे वो तो बताएंगे ऑब्वियसली। तो अच्छा साइमा, ये सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बताओगे? ये देखें, वाइट सॉलिड ड्रेस है। अच्छा, जो सॉलिड कलर्स की जो बात कर रहे हैं, सॉलिड कलर्स, मुझे ये लगता है कि सॉलिड कलर्स हम मैक्सिमम टाइम्स यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, कैसे? इसमें वाइट और ब्लैक मुझे लगता है कि बेस्ट है जो आपके वार्डरोब में होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाइट और एक ब्लैक जो है वो जरूर रखिएगा अपने वार्डरोब में, सॉलिड प्लेन। सॉलिड प्लेन। अब जैसे आपने थोड़ी डिटेल्स दे दी, लेसिंग और ये सब आप अपने स्टाइल के हिसाब से कर सकते हैं, बट व्हाइट जो है आप उसको, जैसे अब आपको किसी दावत में जाना है, मिलाद महफिल है या कोई चाय है या कुछ है, अगर आपने इसको इस तरह के फॉर्मल दुपट्टे के साथ कैरी कर लिया, हाँ, तो ये आपका एक फॉर्मल आउटफिट होगा। अच्छा, ये बड़ा एक एलिगेंट एलिगेंट लुक आ जाएगा। अगर आपने इसके साथ अपने बाल अच्छे से सेट कर लिए, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर लिया, तो यू कैन वेयर इट के आप इसको थोड़ा फॉर्मली भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि ये देखिए कैजुअल है, अगर मैं ऐसे ही पहनूं तो ये डे वेयर का कैजुअल सूट है। अच्छा, बट इसको हमें, अगर हमें, हमारे पास एक ही चॉइस है अगर व्हाइट रखने की या ऑफ व्हाइट रखने की, तो वो फैब्रिक जो है वो कौन सा होना चाहिए जो सब पे चल जाए? फैब्रिक का जो चूज है वो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए जो ज्यादा क्रम्पल्ड ना हो, जो फ्लोई हो, फ्लोई हो। ओके, इसमें आप अगर फॉर्मल में आप यूज कर रहे हैं कपड़ा, कौन सा होना चाहिए कपड़ा? मींस के जॉर्जेट हो, क्या हो, शिफॉन हो, क्या डबल जॉर्जेट हो? डबल जॉर्जेट आप यूज कर सकते हैं, आप उसको क्रेप लिनन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप फॉर्मल सिल्क पे जाना चाहें तो आप रॉ सिल्क ले सकते हैं। वो ड्रेस हो, फैब्रिक वो होना चाहिए जो मोस्ट
ज्यादा सिंथेटिक ना हो और क्रम्पल्ड ना हो। मेन जो उसका पर्पस है वो क्रम्पल्ड ना हो, क्योंकि जब वो आप कहीं गए हैं और क्रीजेस पड़ जाती हैं तो वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगता और ना ही फॉर्मल लगता। अब यही वाइट जोड़ी के साथ अगर आपने इसको प्रिंटेड दुपट्टे के साथ वेयर कर लिया सी, तो आप इसको किसी इवनिंग टी पे भी पहन सकते हैं। अगर इसके साथ आपने कोई पिंक या पीच एसेसरीज ले ली, बैग्स ले ली, तो ये थोड़ा एलिवेट कर जाएगा इस सूट को। अब इसी तरीके से अगर हमने ये प्रिंटेड दुपट्टा यूज कर लिया तो हम इसको थोड़ा लाइवली, इस वाइट ड्रेस के अंदर थोड़ा सा लाइवलीनेस आ जाएगी। यू नो पिंक या पीच आपने बैग कैरी कर लिया, चैन या पीच शूज पहन लिए, तो आप किसी बर्थडे पार्टी में पहन सकते हैं या किसी यू नो शाम की टी हाई टी है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। राइट, और व्हाइट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट जो है ना बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। हाँ बिल्कुल। अब इसी में ऐसा नहीं, आप ये व्हाइट है आपने अपनी इसको इस ब्लैक पैंट्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा, विद द ब्लैक दुपट्टा, ये इसने इसको डिफरेंट एक जोन में ले गया। राइट, आपने ब्लैक बैग ले लिया, ब्लैक शूज आपने ब्लैक ले लिए, और इस तरह की ऑल व्हाइट के साथ आप सिर्फ सिंपल व्हाइट है उसके साथ आपने रेड शूज पहन लिए, रेड बैग, वो भी बड़ा यू नो पर्सनैलिटी को एनहांस कर देता है। या आपने इसको प्रिंटेड पैंट्स के साथ पहन लिया। अच्छा ठीक है, तो ये तो फिर आपको अगर मॉडर्न साइड पे आ गया, अगर आपको यू नो थोड़ा सा इस ड्रेस को थोड़ा सा मॉडर्न करना है तो सी ये काफी अच्छा। फिर इस पे दुपट्टा कौन सा जाएगा सादिया? ये सनमस पे दुपट्टा कौन सा जाएगा? अगर आपने व्हाइट व्हाइट प्रिंटेड पैन है, यू कैन वेयर व्हाइट दुपट्टा, यू कैन वेयर ब्लैक दुपट्टा। अगर आपको थोड़ा और पॉपअप देना है तो फूशिया पिंक दुपट्टा भी पहन सकते हैं। इससे भी कलर एनहांस आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कलर पैलेट्स, बट ये है कि कलर पैलेट्स शुड बी कि वो इसके सराउंडेड भी हो। तो क्या मतलब बताओ, क्योंकि ऑडियंस को तो नहीं पता कि कलर पैलेट के अकॉर्डिंगली क्या पहनना चाहिए। तुमने बताया कि एक शॉकिंग पिंक एक वो पहन सकते हैं, शॉकिंग पिंक, रेड, ये सब वो कलर्स हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट के साथ यू नो मर्ज करते हैं, बहुत अच्छा जेल करते हैं, अच्छा जेल करते हैं। जैसे अब आपने ये व्हाइट एंड ब्लैक के साथ अगर पाउडर ब्लू दुपट्टा पहनेंगे तो वो यू नो ड्रेस को डल कर देगा, या बेज पहनेंगे, बेज पहन लेंगे तो फॉर इंस्टेंस ये देखिए अगर हमने बेज पहन लिया तो ये डल, क्योंकि ये इसका कलर व्हील नहीं। एग्जैक्टली, या नेवी ब्लू भी इतना नहीं, नेवी ब्लू भी एनी पॉपअप कलर। ओके, यू कैन अगर ट्राई करना हो तो ब्राइट येलो, फॉरेस्ट ग्रीन, ये भी अच्छे लगे। एनी पॉपअप कलर, नियॉन कलर्स, नियॉन, एनी पॉपअप कलर व्हाइट एंड ब्लैक के साथ बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, और उसके साथ फिर हम कोई बैग या शूज, इनफैक्ट नेल कलर से भी, हम नेल कलर से भी हम इसको एनहांस कर सकते हैं। आई मेकअप से थोड़ा सा, आई मेकअप को थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है अगर आपने इसको पॉपअप कलर के साथ। नाइस, तो व्हाइट मस्ट होना चाहिए आपके पास इस तरह से, जिसको आप डिफरेंट तरह से पेयर कर सकें। ओके, एंड आई थिंक किंग ऑफ द कलर ब्लैक, आप कहीं भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ब्लैक जो है मुझे लगता है कि ब्लैक मस्ट है। सॉलिड ब्लैक जो है आपका टाइम सेवर है और मुझे लगता है कि यू नो आप ज्यादा उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट होती और आप उसको बहुत ही सादा तरीकों से कैरी कर सकते। और एक और भी फायदा होता है कि जो थोड़ा सा बल्कि उस पर होते हैं बॉडी शेप में, उनके लिए भी ब्लैक कलर जो एक इल्यूजन देता है। यस, स्लिमर लुक देता है और फॉर्मल लुक देता है। अब इसी इस ड्रेस के साथ अगर मैं थोड़ी सी हैवी चंकी ज्वेलरी पहन लूं तो मैं इसको शादियों में भी कैरी कर सकती हूँ। ओके, अगर आपने इसको पूरा ब्लैक रखा है आप किसी भी इवेंट पे पहन सकते हैं। ओके, फुल ब्लैक, आप ब्लैक पैंट्स के साथ इसी तरह देखें, अब उसी की व्हाइट पैंट आप इसमें यूज कर लें। नाइस, एंड ब्लैक एंड व्हाइट कोई प्रिंटेड दुपट्टा ले लें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जिस तरह से साइमा ने बताया कि इसके साथ आप कोई शॉकिंग कलर ले सकते हैं कोई शार्प, तो इसमें अगर हमने व्हाइट पैंट्स पहनी है तो उसके साथ कौन सा दुपट्टा जाएगा? सेम जाएंगे, क्योंकि देखिए सेम व्हील है, ब्लैक एंड व्हाइट, आप व्हाइट एंड ब्लैक करें या ब्लैक एंड व्हाइट करें, बट ये है कि जब आपने ब्लैक पहना है तो मैं आइडिया ये दूंगी कि आप दुपट्टे से ज्यादा आप इसकी पैंट्स को यूज करें इसके साथ। ये जैसे आपने व्हाइट एंड ब्लैक, तो ये ऑलवेज बहुत अच्छा लग रहा है। अब व्हाइट एंड ब्लैक, आप अगर आपने व्हाइट एंड ब्लैक पैंट्स पहनी है तो आई विल सजेस्ट कि ब्लैक ही दुपट्टा हो, फिर एसेसरीज हॉट पिंक कलर के शूज हो, यू नो, या रेड शूज हो, ये भी बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। उस चीज का ख्याल रखना है कि जो कपड़ा है वो थोड़ा सा ऐसा हो कि थोड़ा सा फ्लोई हो, उसमें फॉल अच्छा हो। ठीक है, इसका फॉल, क्योंकि इसका जो फॉल होगा ना, ये कौन सा है फैब्रिक? ये क्रेप जॉर्जेट है। अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा है इसका फॉल। इसका फॉल ये आप समर में भी यूज कर सकते हैं, विंटर में भी यूज कर सकते हैं। विंटर में आपने इसको किसी शॉल के साथ कैरी कर लिया, वेलवेट की, आप इसको शादियों में पहन सकते हैं। Okay. या फिर जैसे ढोलकी है या कुछ है, इसमें आपने यू नो ब्रोकेट की पैंट्स पहन ली, या जामवाल,
जांबवार की पैंट्स पहन ली, बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। अब इससे ये कितना मॉडर्न लुक दे रहा है। हां नाइस लुक, वेरी नाइस। इससे क्या होगा कि ये दीस आर्टिकल्स मुझे लगता है कि ये आपके टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। रादर देन कि आप 50 चीजों में खर्चा करें, दो चीज लें मगर वो अच्छी हो, अच्छी इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और मैंने देखा सायमा, हम एक और गलती करते हैं कि हम फैब्रिक पे जो थोड़ा सा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी स्किन, आपके नेल्स, ये सब भी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, बट आपका जो ड्रेस है, क्योंकि जैसे ही आप अंदर आएंगे किसी, आपको आपके ड्रेस से जज किया जाए, राइट। तो इसमें जो है आपने एक क्लच बैग ले लिया, कोई या फॉर्मल गोल्ड क्लच ले लिया, यू कैन वेयर इट के ढोलकी में चले गए, कान में कुछ अच्छे से झुमके पहन लिए, तो एक एक स्टाइल। पता है जरूरी नहीं कि बहुत सारी चीजें आप क्लटर करें, लेस इज मोर। यस, और बहुत सारी चीजें बाय करके कभी कभी क्या होता है वार्डरोब में इतनी चीजें, बट जब पहनना है समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पहन सकते। तो बेस्ट ये होता है कि कम कपड़े रखें, लेकिन वो रखें जो आप जिनको पेयर कर सकें डिफरेंट चीजों के साथ, जेल कर सकें। अच्छा nice. और दूसरा ये कि कभी भी ऑन द स्पॉट के दावत में जाना है उसी वक्त कबर्ड में सोच रहे हैं कि क्या पहने क्या पहने, उस वक्त हमेशा डिजास्टर होता है। मेरे साथ ऐसा होता है आजकल, बट अगर हमने पहले से, अब जैसे ये पेयर अप है, अगर ये मैंने पहले से माइंड मेकअप करके रखा हुआ है, तो मैं अपनी उसके हिसाब से, अपनी इवेंट के हिसाब से, अपने इनवाइट के हिसाब से मैं फटाफट जेल इन कर लूंगी, और उसके बाद हमें याद आता है ओ किसी और को देखे याद, एग्जैक्टली मेरे सके किसी और को देखे, ये तो मेरे पास भी था, यही पहन लेती, बिल्कुल। तो ऐसा होता है। तो एनीवेज व्हाइट और ब्लैक की बात हो गई, और इसके अलावा हम क्या रख सकते हैं जो हमें बहुत काम आए? एनी जैसे मैं कहूंगी डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी, आप रेड रख सकती हैं, नेवी रख सकती हैं, अगर आप आपकी पर्सनालिटी कलर जो है अच्छा ब्राइट है, तो आप एनी ब्राइट शेड रेड रख सकती हैं, नेवी रख सकती हैं। जैसे जो मुझ जैसी प्रोफेशनल लेडीज होती हैं, वो डे टाइम में प्रेफर करती, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वो पहनूं जो अगर मैं अभी यहाँ हूँ, इसके बाद अगर मुझे किसी टी पे भी जाना है, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि अब मैं घर जाऊँ देन दोबारा के मैं चेंज करूँ। तो मैं मोस्ट लाइकली ऐसे ही ड्रेसेस पहनती हूँ जो कि मैं मल्टीपल इवेंट्स में कैरी कर सकूँ। और गाड़ी में जो ना आपने झुमके रखी है, आपने बस लिया पहन लिया और चलते बने, और चलते, क्योंकि ये जो एक्चुअली ये टाइम सेविंग होते हैं प्लस, बिल्कुल सब। और दूसरा मुझे लगता है कि एक ड्रेस को डिसाइड करने में जो हमारी एनर्जी जाती है, exactly. जब तक हम इवेंट पे पहुंचते हैं हम ड्रेन हो चुके होते हैं, सो ट्रू, क्योंकि फिर और उसके बाद क्या होता है कि आप सेटिस्फाई भी नहीं हो। जब आप सेटिस्फाई नहीं हो तो होता क्या है कि उस वक्त फिर जब आप सब आपके साथ कोई पिक्चर ले रहा है या कुछ ले रहा है, आपका ध्यान वही है, वो पहन लेती तो वो पहन लेती तो ज्यादा अच्छा। और ऐसा होता है हमारे पास, चीजें होती हैं उस वक्त नहीं मिल रही होती। यस, अच्छा ये मुझे बेज ट्राउजर नजर आ रहा है, ये क्यों रखना चाहिए? अच्छा ये मैंने इसलिए कि देखें अक्सर हम मॉल जाते हैं, हमने सेल में से शॉपिंग कर ली, अब उसमें आप यू नो कुर्ते मिल गए, कुर्तियां आजकल कुर्तियों का बड़ा स्टाइल है। अब आपके पास जो है ब्लैक व्हाइट और बेज ये पैंट्स अगर आपके पास हैं, तो आपने अगर जो कुर्ता है उसको आपने इनके साथ कैरी किया, सही। वरना क्या होता है कि जब हम कुर्ते तो उठाकर आ जाते हैं, बट वो बैग में पूरा साथ साइड में ही रहते हैं जब तक सीजन चेंज हो जाता है, कि हम सोचते हैं कि अरे इसके साथ पैंट्स कौन सी पहनेंगे, क्योंकि जब हमने सेल में से उठाया था, जब हमने ये तो सोचा नहीं होता है कि मेरे पास इसका ये है या ये, तो आपके लिए बेटर ये है कि आपके पास कुछ सॉलिड कलर्स होने चाहिए, ब्लैक बेज व्हाइट नेवी लेट्स से मरून, ये सब चीजें वो हैं जो आपको आप मल्टीपल चीजों में अगेन के आप मल्टीपल चीजों में यूज कर सकेंगे। एग्जैक्टली और आजकल गर्मियों में जो फ्लोरल प्रिंट्स आते हैं उसके साथ ये कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। अब ये बेज पैंट आप देखिए, ये ब्लैक के साथ भी आपने पहन फॉर्मल करने के लिए, कोई दुपट्टा लॉन्ग का ले लिया, कुछ भी लिया, कितने हमारे पास लास्ट ईयर के प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं, आपने उनके साथ प्ले कर लिया। और सायमा हम आगे कुछ और भी वीडियोस अगर आप चाहें तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स पर आप चाह रहे हैं, लेकिन हम गर्मियों के हवाले से कि कौन से कलर्स हम पे सूट करते हैं, हमें कौन से कलर्स जो है लोगों की स्किन टोन के हिसाब से, तो ये जरूर हम करेंगे। हम बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आप चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम कर सकते हैं कि आप पर क्या सूट करता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप, अकॉर्डिंग टू योर कॉम्प्लेक्शन। और ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। काफी टाइम मैंने देखा है कि आपका फेवरेट कलर है पर्पल, बट जैसे मुझे पर्सनली पर्पल शेड बहुत पसंद है, बट मैंने जब भी पहना मैं इसमें ग्रे रखती हूँ। अच्छा। तो पर्पल पसंद है तो मैं उसको एक्सेसराइज जरूर करती हूँ, बट मैं वेयर करने में पर्पल अवॉइड करती हूँ। और सर ऐसा भी होता है कि पर्पल के बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो yes. कौन सा शेड हमें पिक करना चाहिए अगर आपको पसंद भी है तो वो हम उस पर जरूर करेंगे, तो हमें बताइएगा। और थैंक यू सो मच सायमा, थैंक यू सो मच फॉर
और आई एम श्योर कि आज की वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और लेस इज मोर की मिनिमलिस्ट अप्रोच जो होती है वो आपको बहुत एलिगेंट एक लुक देती है, आपका टाइम बचाती है, और आप वही टाइम जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में सर्व कर सकते हो और एनर्जी सेव करती है. एग्जैक्टली. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिस तरह से आपने इस चैनल को इतने प्यार से इतनी बड़ी फैमिली में तब्दील कर लिया, इसी तरह से कैजुअल टॉक विद गज़ल को भी आपको जाना है, वहाँ पर वीडियोस को देखना है, बताना है मुझे कि कौन सी वीडियोस वहाँ आप देखना चाहते हैं. अपना ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्द मिलेंगे जबरदस्ती टॉपिक के साथ. तब तक अल्लाह हाफिज़.